मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्र में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज से मैं आप लोगों के लिए यूपीटेट का बैच जो है वो लेकर आई हूं। यूपीटेट की इंग्लिश वाला पार्ट जो कि 30 क्वेश्चंस होते हैं उसका पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कुछ दिन हम लोग इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे और आगे जो है वो बाद में और भी चीज़ें इसमें करेंगे। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू क्योंकि इसमें आपको ग्रामर के कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सीखने को मिलेंगे। और जो लोग यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं 30 out of 30 के लिए आप रेडी रहिए। और इसके अलावा आपको जीएस में भी यूपीटेट के पोर्शन में जो है मदद मिलेगी पालीवाल सर से। तो आप ये मान के चलिए कि 60 क्वेश्चंस आप लोग उसमें अच्छे से कर पाएंगे, बाकी का जो है आप लोग अपना आराम से कर सकते हैं। तो यूपीटेट जो है वो बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यूपीटेट के पेपर के लिए। दूसरी बात, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को जूनियर का पेपर जिनका अच्छा हुआ इस चैनल के से पढ़ के उन लोगों ने इस बात को जो है एक्नॉलेज भी करा कि उनका पेपर अच्छा हुआ। बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग पढ़ते हैं और उसे उन्हें हेल्प भी मिलती है लेकिन मानते नहीं हैं। ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोगों ने अपनी इस बात को भाई, अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे हुए हैं, अगर आपका स्कोर ठीक आया है तो आपने इंग्लिश सूत्रा को इसका ड्यू क्रेडिट दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके लिए हम हेल्पफुल साबित हुए। दूसरी चीज़, आप लोगों को से अगर मैं ये कहूँ कि LTE की क्लासेस आप लोगों में से बहुत लोग मुझे कह रहे हैं LTE एंड TGT PGT की, तो वो भी मैं स्टार्ट करूँगी। कुछ दिन रुक कर LTE TGT PGT की भी क्लासेस स्टार्ट करूँगी क्योंकि आपको पता ही है जो मैं कहती हूँ मैं करती तो हुई, तो इसीलिए मैं LTE TGT PGT की भी तैयार आपकी क्लासेस जो है कुछ ही समय में तैयार करूँगी। ठीक है, तो आज यूपीटेट 2021 इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर है विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर है और इस पेपर के बारे में मैं आप लोगों को बताती चल रही हूं। तो चलिए पेपर जो है सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट कंजंक्शन। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस भाई कंजंक्शन से करें उसको भरना है। सबसे पहले आप एक चीज ये देखिए, इसमें बट ईदर अनलेस एज, कोई भी व्यक्ति इसमें एज लगा देगा, मगर एज कंजंक्शन का मतलब क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए, एज और सिंस जो कंजंक्शंस होते हैं वो तब लगाए जाते हैं जब पूछने वाले को कोई कारण ऑलरेडी पता होता है, तो वहाँ पर हम एज या सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये कहा क्योंकि वो 2 दिन से बीमार है तो वो आज स्कूल नहीं आएगा। एज ही हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज ही विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द क्लासेस। तो यहाँ पर आप लोगों को एज या सिंस लगाना है क्योंकि ये जो है जब हमें कारण पहले से पता है, जब कारण पहले से नहीं पता होता है तो बिकॉज लगाते हैं। वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, बिकॉज आई वॉज इल। तो जब पूछने वाले को कारण नहीं पता होता है तो बिकॉज लगाते हैं, जब कारण पता होता है तो एज या सिंस का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, एज और सिंस जब कारण पहले से पता हो, जब कारण पहले से पता हो तो लगाया जाता है एज या सिंस। ठीक, पॉइंट नंबर 1। अब उसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स। भाई डेथ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जब ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे लव लुक नॉट विद द आईज, ठीक है, लव लुक नॉट विद द आईज, ये शेक्सपियर की बहुत ही फेमस कोटेशन है। लव लुक नॉट विद द आईज बट विद द माइंड, दैट इज वाई विंगेड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। तो यहाँ पे लव को आईज से ये कहा गया है, तो जब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। देखिए, स्टडी ग्राफी, पॉपुलेशन
या पीपल डेमो। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जैसे आप डेमो से यूज कर सकते हैं, डेमो मीन्स होता है जैसे हम बोलते हैं डेमागॉग, ठीक है। डेमागॉग का मतलब क्या होता है? लोगों को भड़काने वाला, लोगों को भड़काने वाला नेता, डेमागॉग उसे जो है वो कहा जाता है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके पास है, बी सेटिस्फाइड विद दैट, बजाय उसके पीछे भागने के कि जो नहीं है आपके पास। तो एक वो हिंदी में भी कहावत है, आधी छोड़ पूरी को भावे, पूरी मिले ना आधी पावे। तो वही वाली चीज़ है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव देन टू गेट वॉट इज नॉट योर्स। तो इसका मतलब है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following sounds is not associated with the sound of a bell? Bell से कौन सा sound associated नहीं है? Chime आप wind chime से लगा सकते हैं, jingle jingling voice, tun tun tun, ring है ही bell की आवाज, बस जो dang है that is not the जो है sound of bell. Fill in the blank with the correct preposition. Correct preposition से blank fill करना है. Are you sorry for? किसी चीज के लिए, सॉरी फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए अपने आप को अपराधी मानना, किसी चीज के लिए आई एम सॉरी फॉर, आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, किसी चीज के लिए अपने आप को दोषी मानना, किसी चीज के लिए क्षमा प्रार्थी होना, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज सॉरी के साथ लगता है फॉर, क्षमा प्रार्थी होना। Now the next question is, pick out the correct synonym of the following word. Attenuate. Attenuate का मतलब होता है कम करना, पतला बनाना, बहुत ही जो है कम करते जाना, that is make thin. Pick out the compound sentence. देखिए, compound, complex और simple तीन तरीके के sentences होते हैं. Simple sentence वो होता है जिसमें एक ही finite verb होता है. Finite verb उसे कहते हैं जो tense और subject के हिसाब से change होता है. जिसमें coordinating conjunctions होते हैं, fanboys वाले, for and not but yet so, ये coordinating conjunctions होते हैं, वो जो होता है वो क्या माना जाता है? दैट इज कंपाउंड। और जिसमें सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है जो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती है, वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप ये देखिए, पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। अब आप यहाँ पर देखिए, टू ऐड टू देयर ट्रबल्स द सर्वेंट रैन अवे। इस पूरे वाक्य में रैन जो है वही एक फाइनाइट वर्ब है, बाकी नहीं है सिंपल। Having no money with me, I could not give the beggar anything. Having no money with me, I could not give the beggar anything. जो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस भी कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं है। I loved him. Why? Why का जवाब दे रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। The servant ran away and added to their troubles. And आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, and है, दो सेंटेंसेस को and जोड़ रहा है, तो वो क्या हो गया? That is compound sentence. Select the most appropriate preposition to complete the following sentence. Why are you always so suspicious? Suspicious का जो के साथ preposition लगता है वो लगता है of, कि तुम काहे को मेरे पर हमेशा संदेह करते हो। तो suspicious के साथ जो preposition लगता है that is of. Now the next one is, the headmaster dashed to speak to you. सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो want word है, ये जो वर्ब है वॉन्ट, ये एक स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब डायनेमिक फॉर्म, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। स्टैटिक वर्ब वो होता है जिसकी कार्य करते हुए इमेज नहीं बनती। तो जो ये स्टैटिक वर्ब्स होते हैं, ये इनडेफिनेट और परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते। अब इसीलिए जब नहीं यूज होते तो ये और ये कट गए। अब यहां पर हमारा इनडेफिनेट वाला पार्ट है ये,
हेडमास्टर जो है वो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो इसीलिए हम यहाँ लगाएंगे द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। तो जो मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा, स्टैटिक वर्ब सिर्फ इनडेफिनेट और परफेक्ट टेंस में यूज होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा आई हैव नोन हिम फॉर टू ईयर्स, तो इसका मतलब है कि मैं उसे दो साल से जानती हूँ। तो ये जो नो वर्ड है दैट इज ऑल्सो स्टैटिक, तो इसीलिए ये इसमें लगेगा परफेक्ट टेंस में, क्योंकि भाई जहाँ सिंस फॉर आता है तो वहाँ पर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ्स मैं आप लोगों को आराम से किसी दिन से पैराग्राफ्स ही समझाऊंगी, दो पैराग्राफ्स हैं इन्हें मैं छोड़ रही हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है, देखिए एज चीयरफुल एज अ लार्क, एज बिजी एज अ बी होता है, एज कनिंग एज अ फॉक्स होता है। तो भाई यहाँ पर आप ये देखिए, और एज हैप्पी एज अ डोंकी नहीं होता, एज चीयरफुल एज अ लार्क, इतने खुश जितने की लार्क बर्ड के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज, एक ये देखिएगा, देखिए एक फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब नंबर वन I was born, दूसरा finite verb ये। पहली बात, ये simple sentence हो ही नहीं सकता, क्योंकि simple sentence में सिर्फ एक ही finite verb होता है। तो ये कौन सा है? This is the house, house के बारे में बता रहा है, in which I was born। तो ये जो which है, ये किसके बारे में बता रहा है? House के बारे में। तो भाई house के की के बारे में बता रहा है। कई लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं, ये एडवर्ब क्लॉज है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। दिस, अगर यहाँ पर दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, तो यहाँ पर ये जो चीज होती है ये किसके बारे में बता रही है? हाउस। और ये दिस इज द हाउस, ये हाउस, हाँ तो क्या हुआ? जहाँ मैं पैदा हुआ। तो इस हाउस के बारे में बता रहा है, इस हाउस की ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है, इन विच आई वॉज बॉर्न, बता किसके बारे में रहा है? हाउस के बारे में। सबॉर्डिनेट क्लॉज केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये सेंटेंस कौन सा है? दैट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बारे में ये बता देती हूँ कि प्रेपोजिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कि वो नाउन प्रोनाउन के पहले आते हैं, नाउन प्रोनाउन के पहले आकर नाउन प्रोनाउन के पहले आते हैं और स्थिति बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, ठीक है। नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब फ्रेज, जैसे डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, इसमें द रिवर, ये रिवर जो है ये नाउन है, बियॉन्ड प्रेपोजिशन है, और ये पूरा का पूरा एडवर्ब फ्रेज है, डोंट गो वेयर बियॉन्ड द रिवर। तो बियॉन्ड जो है वो ही केवल क्या है? दैट्स अ प्रेपोजिशन। ये भी मैंने इसे बताया, नाउन प्रोनाउन जेरंड के पहले आते हैं और स्थिति बताते हैं। तो डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, ये हो गया बियॉन्ड आपका प्रेपोजिशन, ये नाउन, और प्रेपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू एडवर्ब फ्रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, आप यहां पर देखिए अपेस का मतलब होता है स्विफ्टली, तेजी से, फेस नाउन, मीक एडजेक्टिव, फ्यूरी नाउन, अपेस स्विफ्टली तेजी से, जो हाउ का जवाब दे वो क्या होता है? दैट्स एडवर्ब। जो हाउ का जवाब दे उसे क्या कहा जाता है? एडवर्ब। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है
सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें एक ही वर्ब होगा. द कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग इट वोंट कीप अस अवेक. दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, उन्हें जोड़कर एक बनाना है. तो आप खुद देखिए यहाँ पर द कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक एक ऊपर वाला ही सेंटेंस है जिसमें इज लगा हुआ है, एक फाइनाइट वर्ब है. द कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट, दो फाइनाइट वर्ब है. द कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग सो इट वोंट, टू दो है. द कॉफी सो ये तो नीचे वाला तो गलत ही है. तो एक ही वाक्य है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है तो यही होगा द कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग. अब ये फाइनाइट वर्ब है इज, और ये जो टू कीप है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब. तो जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है दैट इज नोन एज सिंपल सेंटेंस. माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फोंड ऑफ, मेरा मेरी बेटा और मेरी बेटी जो है वो एक दूसरे के बड़े जो है एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं. तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताने के लिए दो प्रोनाउंस यूज होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है ईच अदर एंड वन अनदर. ठीक है, तो ईच अदर होता है दो के लिए, वन अनदर होता है दो से ज्यादा के लिए. तो यहां दो लोगों की बात की जा रही है तो यहां आएगा ईच अदर का यूज किया जाएगा. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, हालांकि ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव में करना है इसको. लेट द बुक बी गिवन, तो इसका है लेट द बुक बी गिवन, दैट्स अ पैसिव वॉइस. द बुक, गिव मी द बुक, सॉरी गिव द बुक, मी भी नहीं आएगा. लेट द बुक बी गिवन टू मी, गिव द बुक, सिर्फ इसमें आएगा बी. जैसे आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं यहां पे कहते क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, लेट द विंडो बी क्लोज्ड. ठीक है, तो इसी तरीके से इसको करा जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई आस्क शीला इफ आई माइट नो हर फादर. तो आपको इसको क्या करना है, डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है. तो आई आस्क शीला, ये डायरेक्ट में चेंज करना है, ये रिपोर्टेड स्पीच है. आई आस्क का है, या आप आई सेड टू कर सकते हैं. ठीक है, आई सेड टू शीला, फिर उसके बाद आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर आएगा मे आई नो योर फादर. ठीक है, अब आप यहां देखिए ऐसा क्यों. भाई देखिए, आई सेट टू, सेट टू चेंज हो गया आस्ट में, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो गया इफ में. क्यों, जब कभी जब येस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें इफ या वेदर से जोड़ते हैं, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं यानी कि व्हाट वगैरह से शुरू होते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम व्हाट वगैरह का यूज करते हैं. तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क. जब कोई किसी के प्रति उत्तरदायी होता है, किसी के प्रति उत्तरदायी होने के लिए हम लगाते हैं टू. द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर. तो यहाँ पर इतना करा है. अब मैं एक दिन आप लोगों की क्लास जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की लूंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को सिखाऊंगी. थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.